Good morning, student. Welcome to today's Vedic Maths class. And our today's topic is in Vedic Maths, that's cube. Okay, cube of two digits. आज हम two digit का cube निकालना सीखेंगे. Here I have two questions. मैंने यहाँ पे आपके लिए दो questions रखे हैं और इन दो questions को हम किस तरीके से solve करेंगे ये हम समझेंगे. First one is 16, cube of 16 and the second one is cube of 21. Okay, दोनों two digit के number है लेकिन दोनों को solve करने का method अलग है. Right? कैसे अलग है बेटा, इसको देखते हैं समझते हैं. First है आपका cube of 16. Cube of 16 आपने जैसे 13, 14 का cube किया था उसी तरीके से solve होगा. What is important here? यहाँ पे important क्या है बेटा? Formula. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि formula हमारा क्या है. First digit, second digit का square, second digit का cube. ये formula है आपका, right? अब हम इसमें रखेंगे digits को. अब आपके पास जो digits है बेटा वो क्या है? That is 16. अब यहाँ पे देखिए हमने एक फर्स्ट डिजिट लिखा है, दूसरे को सेकंड डिजिट लिखा है. तो किसे हम फर्स्ट डिजिट मानेंगे, किसे हम सेकंड डिजिट मानेंगे, पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं. तो यहाँ देखिए ये हमारा जो पहला नंबर है इट इज अवर फर्स्ट डिजिट और ये हमारा जो दूसरा नंबर है इट इज अवर सेकंड डिजिट. ठीक है, पहला नंबर फर्स्ट डिजिट, सेकंड नंबर सेकंड डिजिट, इसको हम फॉर्मूला में प्लेस करते हैं. आप देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट डिजिट. फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है? वन. मैंने यहाँ पे वन लिख दिया. सेकंड डिजिट, सेकंड डिजिट है हमारी सिक्स. ओके, अब यहाँ पे सेकंड डिजिट का स्क्वायर, स्क्वायर बेटा हम कर चुके हैं, मैंने आपको समझाया था. व्हाट इज स्क्वायर मींस? स्क्वायर मींस व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ. जब कोई नंबर अपने ही साथ मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर निकलता है. लाइक अगर हम सिक्स की बात करें, सिक्स का स्क्वायर कैसे निकलेगा? सिक्स मल्टीप्लाई विद सिक्स. सिक्स सिक्स आर 36. सो वी विल राइट हियर 36. नेक्स्ट है हमारा सेकंड डिजिट का क्यूब. अब सेकंड डिजिट है सिक्स, क्यूब कैसे निकालेंगे? व्हेन अ डिजिट मल्टीप्लाई विद टू टाइम इटसेल्फ. जब कोई नंबर अपने ही साथ दो बार मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे देखिए एक मल्टीप्लाई का साइन है. अब क्या कह रहे हैं, क्यूब में कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? टू टाइम. तो सिक्स सिक्स आर हो गया आपका 36. आपको पता है सिक्स सिक्स आर 36. 36 को फिर सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमने सिक्स से मल्टीप्लाई किया. सिक्स सिक्स आर अगेन 36. 36 का सिक्स थ्री चला गया हमारा क्रेडिट. सिक्स थ्री आर 18. 18 प्लस 3 21. सो अवर डिजिट इज 216. 216 आ गया. अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने इन नंबर्स को प्लेस कर दिया है, हमने वो वैल्यू लिख दी है जो हमें चाहिए. अब हमारा सेकंड स्टेप आता है कि हमारे बीच के जो दोनों नंबर है ये टू से मल्टीप्लाई होते हैं, राइट? तो मैं छोटा सा यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए टू बना रही हूँ, ब्रैकेट के अंदर रख रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो. अब अगर हम 36 को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी जिन डिजिट के साथ टू का मल्टीप्लाई होगा वो हमारी दोनों बीच की डिजिट होगी. फर्स्ट और लास्ट के साथ आप लोग कुछ नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेंगे. 36 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 72. 12 का 2 आ जाएगा, कैरी 1 चला जाएगा. 2 3 आर 6 एंड 6 प्लस 1 7. तो ये हमारा 72 और फिर 6 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो ये हो जाएगा हमारा 12. ये हमारा सेकंड स्टेप. अब इसके बाद करते हैं हम एडिशन. अब एडिशन में हम फर्स्ट डिजिट इसके नीचे लेके आएंगे, इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे. ये फर्स्ट डिजिट हमारी नीचे आ गई. सेकंड जो हमारी डिजिट है और थर्ड डिजिट है, टेंथ प्लेस और हंड्रेड प्लेस, ये यहां पर ऐड हो जाएगा इसके साथ. ये जो 21 है ये आगे वाले डिजिट के साथ प्लस होगा.
जब हम वैदिक मैथ्स में क्यूब निकालते होते हैं तो हम सिर्फ वंस प्लेस को यहाँ पे लिखते हैं, जो वंस प्लेस से बड़ी डिजिट है, चाहे वो टेंस प्लेस है चाहे हंड्रेड प्लेस, वो हमेशा आगे वाले के साथ ऐड होगी। अभी 21 यहाँ आ जाएगा, ये 21 हो गया राइट। अब 1 + 2 हो गया आपका 3 एंड 3 + 6 हो गया आपका 9। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 9। ये 2 है, इसका आपने कुछ नहीं करना है, इसका काम खत्म हो चुका है। 2 + 7 होता है आपका 9 एंड 9 + 3 हो गया आपका 12। तो ये जो 12 है आपका, ये 12 इनका जो एडिशन है 12, वो 12 यहां पे ऐड होगा। ये जो इनका एडिशन है 12, ये 12 यहां पर ऐड हो जाएगा राइट। अभी 2 + 2 हो गया आपका 4, 4 + 6 हो गया आपका 10। तो 10 का आ जाएगा 0 और कैरी चला जाएगा 1। अब ये जो 1 + 1 + 1 3 होंगे, ये भी क्योंकि टेंस प्लेस है तो इसका जो एडिशन होगा 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3। तो इस 3 को जो है हम यहां लिखेंगे राइट। और अब हमारा 1 + 3 हो जाएगा 4। दिस इज द क्यूब ऑफ 16। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज 21। अगर आप 21 के फॉर्मूला को देखोगे बेटा तो इट इज जस्ट अपोजिट। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट डिजिट आपके पहले नंबर पे थी, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट सबसे लास्ट में चली गई। ओके, सेकंड डिजिट आपकी यहाँ थी सेकंड पे और ये यहाँ चली गई थर्ड पे। फिर ये आपका यहाँ था तो यहाँ चला गया और जो आपका लास्ट डिजिट था वो फर्स्ट में आ गया। व्हाई इट इज लाइक दिस, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जहां पर आपके पास वंस प्लेस पे वन होगा वहां पर आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसीलिए मैंने अलग अलग फॉर्मूला को एक साथ लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, आप कंपेरेटिवली पढ़ सके। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो गया उल्टा। तो यहाँ आपकी जो डिजिट्स होगी वो भी उल्टी हो जाएगी, यहाँ पे ये सेकंड डिजिट हो जाएगी राइट। और ये जो आपकी पहले सेकंड डिजिट होती थी ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट डिजिट। ओके, अब इसको प्लेस करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। यहां पे हमारा क्या है, सेकंड डिजिट का क्यूब। अब क्यूब आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जब कोई नंबर अपने ही साथ दो बार मल्टीप्लाई होता है। ओके, व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई 2 टाइम विद इटसेल्फ तो हमारा क्यूब निकलता है। यहां हमारा क्या है, 2 है। 2 अगर अपने साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 8। ओके, अब सेकेंड डिजिट का स्क्वायर, सेकेंड डिजिट का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। तो 2 × 2 इट्स 2 × 2 = 4 राइट। अब सेकेंड डिजिट यहां पे आएगा आपका 2 एंड नाउ फर्स्ट डिजिट इट इज 1। ये हमारा फर्स्ट स्टेप, जैसे हमने यहां किया वैसे यहां किया, सिर्फ डिजिट्स उल्टी हो गई और फॉर्मूला उल्टा हो गया। सेम सेकेंड स्टेप सेम होगा, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई। आगे का जो प्रोसेस होगा, आगे के जो स्टेप्स होंगे वो सेम लाइक दिस होंगे, जैसे यहाँ थे वैसे ही यहाँ पे भी होंगे। यहाँ पे बीच की 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई है, आगे और पीछे की डिजिट के साथ हम कुछ नहीं करेंगे राइट। अगर हम यहाँ पे करेंगे 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8 राइट। अब सेम जैसे हम वहां एडिशन करते थे यहाँ पे भी एडिशन करेंगे। एडिशन में अब यहाँ देखिए सिर्फ एक ही नंबर है हमारे पास, वंस प्लेस है। आपको पता है वंस प्लेस तो एज इट इज नीचे आता है, इस वंस प्लेस के साथ हमने कुछ नहीं करना है, ये हमारा नीचे आता है। यहाँ देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है, अगर 2 नंबर होते टेंस प्लेस भी होता तो टेंस प्लेस आगे जाता, लेकिन टेंस प्लेस है ही नहीं। तो 4 + 2 हो गया हमारा 6, यहाँ पे लिखेंगे हम 6। ओके, अब टेंस प्लेस है नहीं तो आगे कुछ भी नहीं लेके आएंगे। 8 + 4 हो गया हमारा 12, 12 का हम यहाँ लिखेंगे 2 और हमारा जो कैरी 1 आ रहा है वो चला जाएगा यहाँ पर आगे।
राइट ये हमारा कैरी वाला वन है जिसके हमने इसको सर्कल कर दिया। अब हमारा 8+1 हो जाएगा 9 राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्यूब ऑफ 21।